मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत जनाजे और कंधे तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में चुनावी सभा में शायराना अंदाज में उनको भारी सभा में बयान दिया, भारी मतों से हराने की अपील की, तो दिग्विजय ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके कंधे की हमें जरूरत नहीं। रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से, मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आसिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना, समझ में आ रहा है। गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे? संगत का असर होता है जब मोदी जी जैसे झूठे व्यक्ति ये संगत में है तो उन पर भी असर हुआ। उन्होंने शायराना अंदाज में कंज भी कसा था कि मतलब इनको बड़ी लीड से आ रहा है और आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, इस तरह का कंज के। मुझे उनके कंधों की आवश्यकता नहीं है, भाजपा के नेताओं के मोदी भक्तों की, मेरे पास कंधों की कमी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रभाव ही तो है कि अमित शाह ने 15 मिनट में अपने भाषण में 17 बार तो मेरा नाम ले लिया। देश के गृह मंत्री आए थे, किसी को पता नहीं क्या क्या बात कर गए, मुझसे इतने प्रभावित है कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा दी, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। खबर गुना से जहां